अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लन यन के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो यन? यन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो गिलास का पानी इतना गया गुजरा था इसलिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। फिर वो अपने दोस्त लोग को बोलता है, तुम लोग पहले चल जाओ, मुझे इसे अकेले में बात करना है। फिर वो अपने मन में बोलता है, हुआ था कि मेरा जबड़ा हिल गया था और ये मैं लन को नहीं बता सकता, इसमें मेरा बहुत ही इज्जत खराब होगा। फिर लन सभी के जाने के बाद बोलती है, यन सही में मेरा और लिन का आपस में कुछ भी नहीं है, अब बस कर दो। यन गुस्से से अपने मन में बोलता है, उसने मेरा जबड़ा हिला दिया, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है और तुम्हें इस पर डर लग रहा है कि मैं उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाऊंगा। लन उसे बोलती है, ये मेरी वजह से हुआ, भूल जाओ इसे मेरे लिए। यन गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ लन, क्या तुम सही में मुझसे प्यार करती हो? ये सुनकर लन शॉक्ड हो जाती पूरी तरह। फिर उदास होकर अपने मन में बोलती है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं यन को प्यार करती थी लेकिन आज मुझे यन उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मेरे लिए। ये मुझे अपना प्यार का इजहार किया था जब मैं यहाँ पर नई थी, मेरा कोई फीलिंग नहीं था इसके लिए, लेकिन मैं बड़े फैमिली की लड़की हूँ तो मैं सोच रही थी अपने फैमिली के बेनिफिट के बारे में। हालांकि यन का फैमिली मेरे फैमिली को इन्फेरियर पहुँचाता है, हम दोनों में उतना भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। तब क्या होगा जब मैं अपने फैमिली के बेनिफिट को छोड़ के ये देखूँ तो क्या मैं सही में इसे पसंद करती हूँ? यन घबराते हुए बोलता है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लन बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती थी। फिर यन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, फिर तुमने डेट के लिए हाँ क्यों बोल दिया? लन बोलती है, मैं सिर्फ डेट के लिए हाँ बोली थी लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती हूँ, चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। यन बोलता है, नामुमकिन है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं करती थी। फिर उसे कुछ याद आता है और बोलता है, ओह मैं समझ गया, लिनफेंग की वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती हो ना, मैं उसे मार डालूंगा। ये लन ये सुनकर घबरा जाती है और बोलती है, शांत हो जाओ, लिन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। यन गुस्से से बोलता है, कुछ भी नहीं है तो तुमने लिन को लेटर क्यों लिखा? तो तुम लिन फेंग के इतने करीब क्यों थी? उस रेस्टोरेंट के बाद भी क्यों तुम लिन के साथ अकेले डिनर कर रही थी, वो भी प्राइवेट रूम में? लन कुछ देर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। यन बोलता है, बहुत हो गया, तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम पछताओगी। यन जाते हुए बोलता है अपने मन में, धत तेरे की, हमारा फैमिली नंबर वन फैमिली में आना चाह रहा था, ये सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है कि हम लोग एक साथ जुड़ जाए। लन फैमिली टॉप फैमिली में आते हैं और हम लोग दूसरे नंबर में आते हैं। जब तक मैं लन का दिल जीत नहीं लेता हूँ मैं अपने परिवार के लिए इसे सीरियस लूँगा। मैं उसका दिल जीतने के लिए ये पूरे एक साल अच्छा लड़का बना रहा, मैंने सारी लड़कियों के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, इतना चीज़ मैंने किया, सभी चीज़ बाहर में चले गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से लिन तुमको पछताना पड़ेगा इसके लिए। फिर हमें दिखाया जाता है लिन को, उसी समय उसका फ़ोन आता है। लिन बोलता है, हेलो मैं तुम्हारे घर आ ही रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुनाई देता है कि टैंग चिल्लाकर बोलता है, यून प्लीज अपना दरवाज़ा खोलो। लिन ये सुन लेता और बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं आज का मसाज कैंसिल कर दूँ? यून बोलती है, क्या तुम कल रात को आ जाओगे? लिन बोलता है, ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। फिर वो फोन रख देता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। कोई उसी समय लिन को घूर रहा होता है और उसका पीछा कर रहा होता है। लिन बोलता है, अब सुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। फिर कुछ ही देर के बाद वो आदमी बाहर आ जाता है और बोलता है, तुम टॉप वेन स्टेज के मास्टर हो, तुम इसके लिए काबिल हो, तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ? लिन अपने मन में बोलता है, इसे पता है कि मैं टॉप वेन स्टेज में हूँ लेकिन ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा, जिसका मतलब है कि ये मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। लिन उसे बोलता है, तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो लड़का बोलता है, मैं जुआन फैमिली से हूँ, मेरा नाम है वी। लिन बोलता है, जुआन फैमिली? वही जुआन फैमिली जो साउथ के इधर से है ना? वी बोलता है, नहीं जुआन फैमिली अब तो कचरा बन गया है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये बहुत ही शर्म की बात है जुआन फैमिली के लिए और इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसा रहेगा कि तुम अपना लीगामेंट तोड़ दो तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा? लिन बोलता है, मजाक करना बंद करो, क्या तुम अपंग हो? ठीक है मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी बातें कुछ नहीं सुना। वी बोलता है, तुम बहुत ही अभिमानी हो, इस चलते तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दोगे। ठीक है हम लोग कभी और मिलेंगे। और वो दुकान की रफ्तार से वहाँ से गायब हो जाता है। लिन अपने मन में बोलता है, जुआन वी
मेरे साथ कुछ कर नहीं रहा अभी। मैं सब कुछ देखो तो मुझे जुआन फैमिली के बारे में उतना भी कुछ पता नहीं है। मैं पूरी तरह सुरक्षित नहीं हूँ। मेरे अभी के ताकत में मुझे बहुत ही इम्प्रूव करना होगा अपने आप को। टेंटन मास्टरी के लिए मुझे 20-20 ब्लॉसम पॉइंट चाहिए। लेकिन अभी जो टास्क पड़ा हुआ है, ल्यू के निप्पल को टच करना, मैं इस तरह के टास्क में हमेशा ही फंस जाता हूँ। मुझे अपना पूरा ध्यान कॉन्ग स्वैन में डालना होगा। वही में अभी मेरे लिए मेन टास्क है। फिर अगले दिन वो स्कूल में चला जाता है। उसी समय यन वहाँ पर आकर बोलता है, अगर तुम डरपोक नहीं हो तो मेरे साथ टेकवोंडो हाउस चलो। फिर यन उसके साथ टेकवोंडो हाउस चला जाता है। फिर वहाँ के आदमी उन दोनों को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट का एक वो शिष्य है ना, क्या ये वही है ना? वो लड़का बोलता है, ये बहुत ही मुसीबत में फंस गया है। उसी समय वहाँ पर लन आ जाती है और बोलती है, रुक जाओ यन, तुम करना क्या चाह रहे हो? यन बोलता है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ जो इसने कल किया था। आज मैं उस लड़के को सबक सिखाऊंगा। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। उसी समय वहाँ पर लिन का दोस्त आ जाता है और बोलता है, लिन फेंग, हमने सुना है कि यन तुम्हें खोजने के लिए आया था, इसलिए हम लोग जल्दी यहाँ पर आ गए। क्या तुम ठीक हो? लिन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ली बोलता है, ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो, घबराओ मत लिन, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। लॉन्ग सभी को बोलता है, ये प्यार का जंग है, लैन लिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर सभी लोग शॉक होकर बोलते हैं, सही में क्या? लन अपने मन में बोलती है, ये क्या चल रहा है, मैं लिन फेंग के प्यार में कभी भी नहीं पड़ी थी। यन लॉन्ग को बोलता है, ये तुम्हारा कोई मामला नहीं है, बाहर में जाओ तुम यहाँ से। लन लिंग को बोलती है, लिन उसे माफ कर दो। लिन बोलता है, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है इस मामले में दखल लेने के लिए। लॉन्ग लिंग को बोलता है, मुझे इसे लड़ने दो। लिन अपने मन में बोलता है, ये इतना बुरा आइडिया नहीं है, इसमें उतना भी खतरा नहीं है, और ये लोग दुश्मनी भी नहीं रखते एक दूसरे से। अगर मैं इससे लड़ा तो इसे अपंग बना दूंगा। दूसरी तरफ लिंग लॉन्ग को बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि तुम मार खाना चाहते हो तो मैं सही में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वो उसे देखकर अपने मन में बोलता है, ये कितना ताकतवर है, ये कुछ भी नहीं है लेकिन सैंड बैग है मेरे लिए, मैं तुम्हें किक से ही हरा डालूंगा। और उस पर किक से हमला कर देता है, लेकिन लॉन्ग उसका पाँव पकड़ लेता है और टानने लग जाता है। फिर सभी लोग ये देखकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है। यन लन को हंसते हुए देखकर गुस्से में आ जाता है और वो पूरे दम से अपने दूसरे पाँव पर लॉन्ग पर हमला करने जाता है। लिंग अपने मन में बोलता है, ये देखकर धरती रेखी, ये किक लॉन्ग सह नहीं पाएगा और मारा जाएगा यहीं पर। फिर लिन उसी समय उसका कॉलर पकड़ लेता है। यन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, धत्ते रिकी। लिन उसे उठाकर जमीन में फेंक देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी समय लॉन्ग अपने मन में बोलता है, ये लिन है कौन? लिन बोलता है, चलो चलते हैं। लॉन्ग शॉक्ड होकर बोलता है, हाँ चलो। फिर लिन अपने दोस्त लोग के साथ वहां से चला जाता है। लन ये देखकर अपने मन में बोलती है, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, यन के साथ ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लिन इतना ताकतवर है। यन इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। अगर मैं लिन फेंग की मदद भी करती तो कुछ नहीं कर पाती, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था।